नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और खास खबरों पर। सीएम योगी आज वाराणसी का करेंगे दो दिवसीय दौरा। सीएम योगी दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे। बता दें कि शाम 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे, फिर सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। आज यानी 18 अगस्त को पाकुड़ में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। बता दें इसके तहत महिला लाभुकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1000 की सम्मान राशि ट्रांसफर की जाएगी। मंगेर विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी सेमेस्टर 1 में दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज यानी 18 अगस्त तक है। बता दें कि आवेदन बीते मंगलवार से शुरू हो गया। भागलपुर से ट्रेन संख्या 09014 मालदा टाउन उदना स्पेशल ट्रेन मालदा टाउन से आज यानी 18 अगस्त को 5:25 पर रवाना होगी। बता दें मालदा से रवाना होकर तीसरे दिन 9 बजे उदना पहुंचेगी। ये ट्रेन बड़हरवा साहिबगंज स्टेशनों सहित 37 स्टेशनों पर रुकेगी। गुना कोट फीडर एवं पीजी कॉलेज रोड 11 केवी लाइन पर मेंटेनेंस कार्य के चलते 11 केवी कोट फीडर पर आज यानी 18 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। श्रीगंगानगर में गंगानगर कला मंच की मासिक काव्य गोष्ठी आज यानी 18 अगस्त को सुबह 10:30 पर गगन पथ जवाहर नगर स्थित अरुण वंश पब्लिक स्कूल में आयोजित होगी। बता दें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच संरक्षक समाजसेवी विजय कुमार गोयल होंगे। बीकानेर में बीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस आज यानी 18 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें दूसरे राउंड के काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 5,000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराकर अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। उदयपुर में पंजाब के राज्यपाल व हरियाणा के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया का आज यानी 18 अगस्त को महावीर युवा मंच संस्थान की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। बता दें ये जिम्मा मिलने के बाद कटारिया बीते शुक्रवार को पहली बार उदयपुर आए। यूपी सरकार के मिशन रोजगार के तहत अब रामनगरी अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। बता दें कि आज यानी 18 अगस्त को अयोध्या में मुख्यमंत्री रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इसमें 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी और 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आज यानी 18 अगस्त को मॉनसून की गतिविधि में कमी आएगी। इस दौरान जिले में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे। 18 अगस्त तक अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1891 में आज के दिन कैरिबियाई द्वीप मार्टिनक्यू में चक्रवाती तूफान से 700 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1949 में आज के दिन हंगरी ने संविधान अंगीकार किया था। साल 1945 में आज के दिन सुकर्णो ने इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज शुरू किया था। साल 1945 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ था। साल 1985 में आज के दिन भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान गीतिका जाखड़ का जन्म हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।